तो कर्नल इसी को कहते हैं, और कर्नल एक तरह से कह लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कर्नल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए कर्नल जो है एक इंटरफेस का काम करता है, किसके किसके बीच इंटरफेस होता है, हार्डवेयर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। अब कर्नल जो है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस काम करता है, दो टाइप के कर्नल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं दो टाइप के कर्नल हैं। अब कर्नल होता क्या है, जो कर्नल होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। काम क्या होता है इसका, देखिए कर्नल जो है एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका काम होता है जो भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम आप पढ़ते हैं ना, सेम वही काम कर्नल के होते हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हुआ, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं कर्नल से रिलेटेड है, यानी कर्नल ही इन सारे कार्यों को करता है। अब दो टाइप के कर्नल होते हैं, ठीक है, एक माइक्रो कर्नल होता है और दूसरा होता है आपका मोनोलिथिक कर्नल। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफी हैं, तो आइए समझते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। पहला तो ये है कि ये जो कर्नल होता है माइक्रो कर्नल, ये स्मॉलर इन साइज होता है, और जो मोनोलिथिक कर्नल होता है वो लार्जर इन साइज होता है। इसके अलावा स्पीड जो है माइक्रो कर्नल की वो स्लोअर होती है, और मोनोलिथिक कर्नल की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्टर होती है। अगर कोई बग आ गया आपके प्रोग्राम में तो उसमें आपको डीबगिंग जो है आसानी से कर सकते हैं माइक्रो कर्नल में, लेकिन यही चीज आपको मोनोलिथिक कर्नल में करना पड़े तो ये थोड़ा कठिन होता है। इसके अलावा इजी टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, अगर कोई नया फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि मोनोलिथिक कर्नल में ये करना काफी ज्यादा आसान नहीं होता है, वो कठिन होता है। तो ये तो दोनों के बीच में डिफरेंस रहा। अब देखिए कर्नल होता क्या है, थोड़ा इसको और भी डिटेल में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस जो होता है, उसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाने में जो कर्नल है उसका काफी बड़ा योगदान होता है, यानी डायरेक्टली ये इंटरेक्ट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से, जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं उनको इंटरेक्ट करवाता है कर्नल। दूसरी एक होती है शेल, सेल, तो सेल यानी SHELL, तो ये जो सेल होती है वो क्या काम करती है, देखिए कर्नल जिस तरह से हार्डवेयर को इंटरेक्ट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसी तरह से सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरेक्ट करवाने के लिए यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो ये जो है होता है काम कर्नल का और सेल का। आई होप की बात समझ में आई होगी, और फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।